दोस्तों जिथे एक पासे खुशी दी गल है क्योंकि पीटी ते वीजे आ रहे ने, उत्थे एक जिहड़ा चिंता दा विशा भी बनया होया वो SDS वाली एप्लीकेशन ने। हुण SDS वाली एप्लीकेशनां दे विच वीजा जिहड़ा रिफ्यूज़ हो रहा एंड बहुत बड़े लैवल ते हो रहा। जे कोई भी बंदा इस चीज़ नूं डिनाई नहीं कर सकदा भी SDS दी रिफ्यूजल नहीं आ रही। चंगियां चंगियां एप्लीकेशन होंदियां, एप्लीकेंट दे 7-8 बैंड होंदे आ, रीसेंट पास आउट होंदे आ, ईवन किसी की बैचलर की है, किसी की ट्वेल्थ की है, चंगा कॉलेज, चंगा कोर्स एंड चंगी प्रेजेंटेशन दिती जाती है, बट 4 महीनों की वेट या 3 महीनों की वेट तो बाद जिहड़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता। सो अगर गल करिए SDS की जिहड़ी चैकलिस्ट है वह बहुत छोटी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत घट चाहिए होंगे, ईवन उस तो भी ज़्यादा तो चंगे डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट लाते हैं बट फिर भी उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिता जाता। हूँ SDS के पांच मेन चीज़ा मंगिया गई हैं, 6 ईच ओवरऑल 6 बैंड मंगे गए हैं, DLI कॉलेज का ऑफर लैटर मंगया गया, 1 ईयर फीस, 1 ईयर GIC एंड मेडिकल। हूँ देखिए बहुत घट डॉक्यूमेंटेशन है बट जे एप्लीकेंट होंगे उन्होंने को बहुत कुछ इस तो भी ज़्यादा होंगे, एक चंगा स्टडी प्लैन होंगे, ईवन कई फंडस भी शो करते हैं, बैंडस भी अच्छे होंगे ने, फीस भी पे की होंगी, GIC भी पे होंगे, इनकम के प्रूफ भी लाने बट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता। सो मैं तुम्हें पहले दस्या भी कोई एक दो बच्चों नहीं हो रहा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ने हुण क्योंकि अगर गल करिए SDS के बहुत पिछले साल बहुत सारिया कंट्रीज होर ऐड करतियां सी, SDS प्रोग्राम जो स्टार्ट किया एक लिमिटेड जी कंट्रीज ऐड की गई हैं, बट पिछे जे जो ये कुछ रूल चेंजेस हुए तो बहुत सारिया कंट्रियां जोड़िया ऐड कर दी गई, तो यह कला इंडिया का ही हाल नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जिन्हिया कंट्रियां SDS के आ रही हैं उन्होंने जो रिफ्यूजल रेट सेम ही है। एक आर्टिकल एक छपया सी जो एक कैनेडियन इमीग्रेशन लॉयर की एसोसीएशन है सीला उसको कहा जाता है, उस दिसंबर 2021 के आर्टिकल छपया सी, उस क्लीयर होया सी भी जो 2018 के सक्सैस रेट सी वह आई थिंक 32-33% के करीब सी, बट जिहड़ा रिफ्यूजल रेट जो 32-33% से, बट अगर आप गल करिए साल 2020 की जोड़ा यह रिफ्यूजल रेट आ 58-60% चला गया। हुण तुसीं सिंपल ला के देखो भी 100 दे विचों 58 तो 60 फाइलां रिफ्यूज़ हो रही हैं, इस दे विच एप्लीकेंट का की कसूर आ, इस दे विच कंसल्टेंट का की कसूर आ, कंसल्टेंट भी जिहड़े हैगे चंगे तरीके नाल मेहनत करदे आ, जदों वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता कितने कितने स्टूडेंट तो कंसल्टेंट ते उस चीज़ का दोष मढ़ दिंदा, बट कंसल्टेंट कोल कुछ भी ऑप्शन नहीं हुंदी इस चीज़ नूं दसन दे लई भी तुहाडा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा क्यों हो रहा। हुण एप्लीकेंट तो पुछदा जी दसो घाट किस चीज़ की है, घट एप्लीकेशन के कुछ होंगे नहीं तो उन्होंने की दसा जाए क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा। सो यही ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड सारी कंट्रीज हो रहा। एक बेस्ट अफ्रीका की कंट्री है गाना, उतों की एक जी स्टूडेंट सीगा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो उसने जुडिशियल रिव्यू के अप्लाई किया। हूँ असं भी जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू जो करते हैं कोर्ट के एप्लीकेशन जाती है फैडरल कोर्ट के, चाहे हेयरिंग होंगी चाहे सैटलमेंट होंगी तो बहुत कुछ सीखने मिलता, बहुत अंदर दिया गल्ला जिहड़ियां बाहर आउंदियां। सेम वो भी जुडिशियल रिव्यू का केस ही, स्टूडेंट जिहड़ी वैसट अफ्रीका की सीगी उसने जदों अप्लाई किया उस तो बाद उसका जज ने जिहड़ा रिव्यू लेता भी वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होया, जिहड़ा वीज़ा अफसर ने किस तरीके ने एप्लीकेशन चैक की, तो उत्थे पहली बार ये चीज़ क्लीयर हुई सी कि हाई कमीशन कोई जिहड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, शीनुक सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर की हैल्प दे नाल वो डिसीजन लै रही है। सो उस केस के जिहड़ा हाई कमीशन वालों जिहड़ा सॉफ्टवेयर डिवेलपर सी उहदे वालों एफीडेविट भी दिता गया कोर्ट के, एफीडेविट के सारी उहदी प्रोसैसिंग सी किस तरीके ने एप्लीकेट जिहड़ा सॉफ्टवेयर वह वर्क कर रहा है वो सारी सारी डिटेल सी। सो एक एक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मैं जिहड़ा लिंक जिहड़ा हैगा नाल शेयर भी करूँगा वीडियो से जिहड़ा तुसीं भी रीड इसनूं स्टडी कर सकते हो। एक एक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एक टाइम पर कई एप्लीकेशन जिहड़े वीज़ा अफसर वो रिव्यू कर सकते हैं, डिसीजन रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड डिसीजन जनरेट कर सकते हैं। सो उन्होंने कोई एफर्ट लाने की लोड़ नहीं है, एक टाइम के उत्ते कोई भी एप्लीकेशन गई है जो पुरानी वो एप्लीकेशन के GCMS नोट्स होंगे सॉफ्टवेयर उन्होंने नोट्स के बिहाबते ही जिहड़ा डिसीजन जनरेट कर दिंदा। सो नाल दी नाल जो GCMS नोट्स जो उन्होंने जनरेट करने पैंदे आ, हाई कमीशन नूं पहला हुंदा सी कोई भी डिसीजन लैंदा वीजा अफसर उहनूं नाल नाल नोट्स तैयार करने पैंदे आ, तो वह नोट्स भी जिहड़ा हैगा इह सॉफ्टवेयर ही जिहड़ा जनरेट करदा। तो एक टाइम पर मैं तुम्हें दस्या भी 1000 एप्लीकेशन तक जी है प्रोसैस कर सकता इस सॉफ्टवेयर के। सो टोटल आप कह सकते हैं भी जिहड़ा एक कंप्यूटर बेस्ड डिसीजन जिहड़े आ रहे हैं। सो रिफ्यूजल जी आ रही है वो मोस्टली सेम है, सारे एक बच्चे जी रिफ्यूजल आ रही है 216 के आ रही है, वर्डिंग चेंज होंगी बंदे का एप्लीकेशन नंबर नाम चेंज होंगे,
ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹਨ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।